नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से साउथ की कुछ जबरदस्त सस्पेंस मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी मूवीज लेकर आया हूं, जो कि आपको हिंदी में ही YouTube पर देखने को मिलेगी। और आप सभी की सुविधा के लिए इन सभी मूवीज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले वीडियो में मैं उस मूवी को जरूर से लेकर आऊँ। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नंबर 5 पर है 2016 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी कुट्टाराम ठंडा नाई। फिल्म में दोस्तों आपको ऐश्वर्या, राजेश और पूजा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी में रवि, जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, इस बीमारी में वो अपनी आंखों की रोशनी को धीरे धीरे कर खो रहा है। अब जैसे ही रवि को पता चलता है कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं उसकी सर्जरी करवाने के लिए, तब वो पैसों के लिए दो लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, जो कि एक मर्डर केस के सस्पेक्ट में फंस चुके हैं। अब ऐसे में आगे कहानी में क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन में काफी अच्छा थ्रिलर दिखाया गया है, जो कि लाजवाब है। IMDb इस मूवी को 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 4 पर है 2017 की एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी रंगून। फिल्म में आपको गौतम कार्तिक, सना और डेनियल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी में वेंकट और उसके दोस्त एक इलीगल बिजनेस में फंस जाते हैं, जहां पर वो एक रंगून नाम के गांव में गोल्ड स्मगलिंग करने के लिए गए थे। इस डील को करने के लिए जो उन्हें पैसा दिया गया था वो उनसे खो जाता है। बस यहीं से कहानी शुरू होती है और काफी सारे टर्न और ट्विस्ट हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस मूवी का स्क्रीन प्ले, ड्रामा और थ्रिलर काफी मस्त है। IMDb से इस मूवी को 7 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है। बहुत मशहूर है, पर आत्माएं कभी कभी आती है। नंबर 3 पर है 2023 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी रोमांचम। फिल्म में आपको अर्जुन, सोबिन और पूजा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी है 7 दोस्तों की, जो कि बेंगलोर में एक घर में किराए से रह रहे होते हैं। एक रात ये लोग ओइजा बोर्ड की मदद से आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये लोग मस्ती में ये गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन आगे कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इन लोगों की हालत काफी पतली हो जाती है। तो आखिर ऐसी कौन सी घटना घटती है इन लोगों के साथ, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.6 की रेटिंग हासिल हुई है। नंबर 2 पर है 2019 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी मथु वडालारा। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नरेश, सत्या और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी है यशु और बाबू नाम के दो डिलीवरी बॉयज की। ये दोनों ही दोस्त जो कि जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बाबू के द्वारा एक बूढ़ी महिला की हत्या हो जाती है। अब यहीं से कहानी एक अलग मोड़ लेती है और आगे हमें कई सारे टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में हमें भरपूर सस्पेंस और थ्रिलर दिखाया गया है, जो कि आपको आखिर तक मूवी देखने पर मजबूर कर देगा। IMDb से इस मूवी को 8.2 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है। Kidnapping, ransom, और 45 मर्डर। नंबर 1 पर है 2020 की एक क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरी सीरीज पाताल लोक। इस सीरीज की कास्ट में आपको जयदीप, अभिषेक और भी कलाकार देखने को मिलने वाले। कहानी हमें दिखाई जाती है ऐसे 4 क्रिमिनल्स की, जो कि शहर में एक बहुत ही बड़े क्राइम को अंजाम देने आए होते हैं, लेकिन क्राइम करने से पहले ही पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है। अब आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इन 4 लोगों के पास्ट के बारे में मालूम पड़ता है। तो आखिर इन 4 लोगों का पास्ट क्या है और आगे कहानी में क्या होता है, यही जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। दोस्तों इस सीरीज की कहानी इतनी जबरदस्त है कि आप इसे चार कर भी भूल नहीं सकते। काफी बेहतरीन सीरीज है, जो कि आपको जरूर से देखनी ही चाहिए। IMDb की तरफ से इस सीरीज को 8 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो यही थी आज की हमारी टॉप 5 मूवीज, जो कि आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी।